अस्सलाम वालेकुम। तो भाई जिद्दा का मौसम बहुत ही अच्छा है आज, और बारिश वगैरह देख रहे हैं, एकदम बादल बादल छाया हुआ है, और जबरदस्त पीछे हमारे देख रहे हैं काला काला दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाला है। फिलहाल हम सुपरमार्केट आए थे भाई, थोड़ा बहुत सामान लेना था, ले लिए। स्कूल का टाइम है इस वजह से बहुत भीड़ है यहाँ, तो हमने जो है गाड़ी पार्क भाई उधर किया है पीछे। आप देख रहे बादल एकदम, और इस साइड में मक्का है, तो समझ लो कि मक्का साइड में बारिश अभी ज़बरदस्त हो रही है। और ये है मार्केट, सुपर मार्केट इसके पीछे है, और गाड़ी हमने यहाँ खड़ा किया है पीछे, इसके पीछे वो अपनी गाड़ी खड़ी है भाई सफ़ेद वाली। और मस्जिद है देखो बहुत अच्छी, बादल एकदम काले काले हैं ज़बरदस्त, एकदम एक नंबर के। मतलब कुल मिला के जिद्दा का व्यू आज बहुत अच्छा है भाई। भाई आज जिद्दा में बारिश होकर रहेगी इंशाल्लाह, क्योंकि देख रहे हो आप व्यू देख, काला काला है, मौसम बहुत अच्छा है आज का, गर्मी नहीं है। और बारिश तो कल से बोला गया है कि बारिश होगी, पर कल नहीं हुई थी, आज इंशाल्लाह ज़रूर बारिश होगी। तो प्यारा है मौसम, बहुत ही अच्छा प्यारा मौसम, आज जिद्दा में बारिश होने वाली है। तो अभी ले लिया सामान वगैरह, आप देख सकते हैं ये सुपर मार्केट से सामान लेना था, तो हमने सामान वगैरह ले करके अब चल रहे हैं, निकल रहे हैं घर पर, बारिश नहीं हो रही है। बूंदी चालू हो गया जोर जोर से, पर मुझे नहीं लग रहा कि बारिश होगा भाई, क्योंकि इसे थोड़ा बहुत छींटे वगैरह पड़ेंगे उसके बाद चले जाएंगे। हालांकि छींटे थोड़ा तेज हो गए हैं, अब देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए बारिश ऊपर दिख रहा होगा कांच के ऊपर आप लोगों को। और सऊदी अरब में भाई एक चीज़ और है कि सऊदी अरब में ना बारिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और यहाँ पर पानी वगैरह जब भर जाता है ना भाई, तो बिल्कुल भी कोई निकलता नहीं घर से डर की वजह से, क्योंकि एक दो हादसे हो गए हैं यहाँ पर, कोई ब्रिज वगैरह गिर गया था, तो इस वजह से अगर बारिश वगैरह होने वाला रहता है ना, तो उसे छुट्टी दे देते हैं सब कुछ, स्कूल वगैरह सब छुट्टी हो जाता है, ख़ास करके तो स्कूल यूनिवर्सिटी जो है ये बंद हो जाता है। तो छींटे काफ़ी तेज़ पड़ने लगे यार, यानी कि रोड दिखाई नहीं दे रहा है। भाई बारिश चालू हो गई है, थोड़ा सा यहाँ पर छाँव है, और फिर भी चलते हैं घर पे। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, यहाँ की लड़कियाँ और मजे ले रहे हैं। फिलहाल भाई आ गया, वैसे भीगने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा ये डर रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना बारिश की पानी वगैरह पाए तो कहीं पक पुक ना जाए भाई, तो इसी वजह से थोड़ा सा डर लग रहा था कि ये भीग ना जाए, बाकी तो मैं खुद ही चाहता हूँ भीगना, मज़ा आता है बारिश में भीगने की। खाना वगैरह भी बना लिया भाई, ये देखिए इधर आज बनाया हूँ गाइज आलू और बैंगन की सब्जी, और गाइज बनाया हूँ दाल आज, ये है अपनी दाल। तो गाइस दाल और सब्जी बना लिया हूँ, रोटी भी ला लिया हूँ, और चावल बनाने चल रहा हूँ क्योंकि आज चावल खाने का दिल कर रहा है भाई, मौसम अच्छा है तो दाल चावल सब्जी खाएंगे, एकदम देहाती वाला खाना, गांव वाला खाना एकदम एक नंबर, तो मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो है ना मुझे सादा खाना बहुत अच्छा लगता है, और दाल के साथ जो भी आइटम मिले मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में, दाल के साथ जैसे अचार हो गया, पापड़ हो गया, दाल के साथ घी है, उसके बाद चावल है, सब्जी है, सब्जी में दो तीन वैरायटी ले लो तो बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल देखो बाहर लग रहा है थोड़ा बहुत बारिश तेज हो रही है। हाँ यार ये देखो, मैं तो सोचा थोड़ा बहुत ही बारिश होगा, पर माशाल्लाह बारिश बढ़िया हो रही है। तो फिलहाल मुझे चावल यार इसमें बनाना है, और मेरे पास बर्तन दूसरा नहीं है, तो मैं ये सिर्फ कटोरे में जो है सब्जी को निकाल दूंगा और इसी में बनाऊंगा चावल अपना इस वाले बर्तन में। तो दोस्तों चावल चढ़ा दिया हूँ, क्योंकि जो है ना चावल मैं इस वजह से ज़्यादा पानी इसमें रखता हूँ, क्योंकि मुझे भाई चावल पकाना नहीं आता है, और ये पानी ज़्यादा इसलिए डालता हूँ मैं कि चावल जब बन जाए तो मैं पानी बाहर निकाल दूँ, फिर उस चावल अच्छा हो जाता है। बाकी सब्जी मैंने इसमें रख लिया, तो दाल इसमें है ही है, और
भाई सऊदी अरब का बारिश का तो मज़ा ही अलग है। बारिश हो रही है अभी भी, बहुत खुशी होता है बारिश, क्योंकि यहाँ बारिश होता नहीं है ना जल्दी। अभी जद्दा में अगर बारिश हो गई तो भाई मत ही पूछो, मज़ा आ जाता है। वैसे एक बात और है यार भाई, कि अगर परदेश में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे तबीयत खराब हो जाता है या कुछ और प्रॉब्लम हो जाता है, तो भाई घर वालों की बहुत याद आती है यार, कि काश कोई साथ में होता या कोई देखभाल करने वाला होता। अब मुझे चोट लगी है पैर में, भी चल नहीं पा रहा ठीक से, अकेलापन महसूस होता है भाई इस वक्त, क्योंकि वो सब दिन याद आते हैं पुराने, कि भाई अगर कोई भी चीज़ लग जाता था तो माँ कितना परेशान होती थी, थोड़ा सा भी अगर लग जाता था तो अम्मी कितना परेशान होती थी। तो यहाँ पर तो है ही नहीं, देख देख के बस दिल को तसल्ली देना पड़ता है भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे गुजर जाए अच्छी बात है। तो भाई बारिश जो है बंद हो चुकी है, ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर पानी देखो रुक गया है, यहाँ पर हमेशा पानी रुक जाता है मेरे घर के सामने, उधर भी भर गया है पूरा। इधर चावल चावल हमारी बन रही है। तो अच्छी खासी बारिश हुई है यार, ये देखिए पीछे देखिए पूरा भरा हुआ है, और ये आगे भी देखिए भरा हुआ है। अभी भी थोड़ा मौसम काला है, गाड़ी भी मेरी छोटी है और ये पानी पूरा भरा हुआ है, बस डर लग रहा है। हालांकि मैडम ने मुझे बोला कि बड़ी गाड़ी ले लो, पर अभी ये कौन निकाले, वो अंदर पड़ी है गाड़ी के अंदर, एक छोटी वाली लेके चल दिए भाई। देखो बाकी रिस्क है थोड़ा सा, इंशाल्लाह सीधा सफा सफा रास्ते से निकलेंगे धीरे धीरे, पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। सुपर मार्केट जाना है, थोड़ा बहुत सामान लेना है। मोहल्ले में थोड़ा भरा रहता है, चलिए हम तो मेन रोड पर आ गए हैं, मेन रोड पर बिल्कुल भी पानी नहीं है आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इधर तो देखिए आप, धूप निकल गया है भाई, बारिश हो गया धूप निकल गया, अभी उस साइड में काला हुआ है, देखो अपने इंडिया की तरफ काला है अभी, ये अपना इंडिया इधर ही है इस साइड में। पर भाई ड्राइवरों का काम जो है ना बढ़ गया, क्योंकि ड्राइवर को जो है अब गाड़ी धुलना पड़ेगा और घर वगैरह भी जो धुलना पड़ेगा, बारिश यहाँ होता है थोड़ा बहुत भी तो ड्राइवर का काम बढ़ जाता है। तो जो लोग वीडियो को देख रहे होंगे, ड्राइवर भाई अपने तो सऊदी अरब में अगर होंगे, वो अगर जिद्दा में होंगे तो वो जानते होंगे कि भाई काम बढ़ गया हमारा, क्या करोगे भाई, सब ड्राइवर करते हैं तो करना पड़ेगा, घर की धुलाई गाड़ी की सफाई सब करते हैं। तो फिलहाल यहाँ तो धूप निकल गया है देखिए, और अच्छा खासा धूप निकल रहा है, आसमान बिल्कुल साफ है देखिए, अभी उस साइड में जो है काला हुआ है पूरा। यह मकान देखो यार, एक जैसा सब मकान दिखता है भाई, देख रहे हो, और सब डुप्लेक्स ही बने रहते हैं ज़्यादा, पर एक जैसे ही सब दिखते हैं, हाइट उतना ही बड़ा, उसी उतना ही बड़ा एरिया में बना रहता है घर, बस डिजाइन थोड़ा सा घर का अलग अलग रहता है, बाकी जो है सेम सब रहता है। अब ये सामने देखो, सामने जो है आपको पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ तक आखिर तक पूरा जो है एक जैसा मकान मिलेगा आपको। ये देखो धुलाई वुलाई चालू किए हैं भाई लोग सब। ओ हमारे अजहर भाई आ गए, अजहर भाई आ गए, अजहर भाई आ गए। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अजहर भाई, छुट्टी हो गई काम की? यार आज तो बारिश हुआ यार। अरे आज मौसम आओ हाथ में डाले यार। और सुनाओ? और सब बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज बारिश मौसम बहुत अच्छा था, एक नंबर यार भाई, मगर मेहनत करनी पड़ गया यार। पानी आनी बारिश हुआ ना, तो बारिश की वजह से जो है यहाँ भाई ड्राइवर से लेके सब होता है सबका। सही बात है यार। और सुनाओ अजहर भाई? और सब बढ़िया है यार, क्या हाल चाल है? आप तो यार फ्री हो? हाँ भाई अजहर भाई आ गए। खाना खाए? खाना वाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह भाई, और टाइम भी हो गया ना यार कब से। हाँ यार 11 के ऊपर हो रहा है यार। तो अभी बस खाना वाना खा लिया हूँ, यूनिवर्सिटी जो है तो यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना, छुट्टी वगैरह है अभी, अभी खाली एग्जाम में जाना है बस। और यार ये थोड़ा सा दर्द हो रहा है यार, आराम नहीं हुआ भाई, देख यार सूख रहा है यार, सूख जाएगा इंशाल्लाह भाई, मालूम नहीं पड़ेगा यार। भाई मैं और अजहर भाई जो है इंशाल्लाह अगले जुमा को
उम्रा करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। मैं अजहर भाई और एक गैस भाई हैं, तो तीनों जन जो है हम लोग जा रहे हैं उम्रा करने इंशाल्लाह। आप लोग के लिए दुआ जरूर करेंगे और आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। तो गैस 11:30 बज रहा है, तो आज के ब्लॉग बस यहीं ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में कल एक नए सुबह के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।